press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो प्लीज ये वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप कैसे अनेबल कर सकते हैं अपने मोनेटाइजेशन को। यूट्यूब ने इस साल कुछ नए पॉलिसी चेंज किए हैं अपने प्रोग्राम में, तो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जब मैंने YouTube चैनल को स्टार्ट किया था तो ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि आपको 10,000 व्यू करने पड़ेंगे फिर आप मोनेटाइजेशन ऑन होगा। जब मैंने YouTube चैनल को स्टार्ट किया था तब जब चाहे आप मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते थे, बल्कि YouTube ने 2017 के स्टार्ट में कुछ अपनी पॉलिसी में चेंज किए, जो कि वो थे आपको सबसे पहले 10,000 व्यू होने चाहिए, वो कंपलसरी था। तो डे बाय डे सारे लोग ने 10,000 व्यू कंप्लीट कर लिए, तो YouTube को काफी परेशानी होने लगी और काफी मोनेटाइजेशन एडवर्टाइज ने बंद कर दी। तो इसके बाद अगस्त 2017 में YouTube ने फिर से अपनी पॉलिसी में चेंज की, जो कि वो थे $3। यानी कि अगर आपका कोई अच्छा सा वीडियो है और आपने कुछ नया प्रोग्राम और नया वीडियो बनाया है तो आपका $3 मिलेगा, जिससे आप मोनेटाइजेशन को अनेबल कर सकते थे। इसके अलावा जो डॉलर था वो था $येलो। अगर आपके वीडियो में $येलो आता था, इसका मतलब था आपने कुछ गलत इमेज, गलत क्वालिटी का वीडियो आपने बनाया था, इसलिए $येलो आता था। इसके लिए आपको एक वीक का टाइम देता था YouTube, आप एक वीक में इसको रिन्यू करवा सकते थे। YouTube आपको एक वीक देता था, इस वीक में YouTube आपके वीडियो को मोनेटाइजेशन का चेक करता था, कोई भी अनवांटेड या कोई नेसेसरी जो चीज आप वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते वो आपने वीडियो में डाली थी तो आपको वो $येलो रखता था, और ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं मिलती थी YouTube को तो वो $ग्रीन कर देता था। इसके लिए आपको YouTube ने आपको हमको एक वीक को टाइम दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉलर था वो था $ब्लैक। यानी कि आप अनवांटेड कोई भी वीडियो बना रहे थे जो कि वो कुछ कॉपीराइट होते थे, कुछ इस तरह के वीडियो होते थे, तो उस पर YouTube $ब्लैक लगाता था। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इस वीडियो में मोनेटाइजेशन नहीं पा सकते थे। तो काफी सारे यूट्यूबर को इस सारे डॉलर का फेस करना पड़ता था, मुझे भी इस तरह के डॉलर को फेस करना पड़ा था। इस साल कुछ नया कुछ YouTube ने अपने प्रोग्राम को चेंज किया था, जो कि वो है बहुत बड़ा। YouTube ने कुछ इस साल बहुत बड़ा धमाका किया है, इसने सारे पॉलिसी को चेंज कर दिए है। अब नए पॉलिसी आई है वो क्या है आपको शायद मालूम नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। नए प्रोग्राम के मुताबिक आपको 4,000 ओवर कंप्लीट करने पड़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 4,000 ओवर कंप्लीट करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आप एक और प्रोग्राम को चेंज किया, जो कि वो है 1,000 सब्सक्राइबर का। YouTube के इस प्रोग्राम के मुताबिक अगर आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 ओवर नहीं हो गए तो आपका मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं होगा। जो भी चैनल वो सारे थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर दिए होंगे उसको मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया होगा, और जो भी यूट्यूबर अभी के 10,000 व्यू से ज्यादा हो चुके हैं उसको मोनेटाइजेशन ऑन है, उसके भी शायद वो क्लोज कर देगा। अगर आप 20 परसेंट तक शायद थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाएगा। जिस तरह हमने 10,000 व्यू का टारगेट मिला था, इसी तरह हमको 4,000 हवर्स और 1,000 सब्सक्राइबर का मौका एक बार मिल रहा है। इसके क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जो भी सारे लोग जो व्हाट्सएप के वीडियो भेजते थे, काफी सारे लोग भूत प्रेत के वीडियो डालते थे, उसको सारी चैनल को हम यूट्यूब वालों बंद करने लगे हैं। तो अगर आपका कुछ बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट वीडियो है और कुछ नया है, तो आपका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको डे बाय डे आपका 4,000 सर्वर कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अगर आपको 5,000 या 4,000 सर्वर कैसे कंप्लीट करने हैं, तो इसके मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने एक वीडियो अपलोड किया जिसकी लेंथ है 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट का एक वीडियो आपने अपलोड किया यूट्यूब पे, चूंकि वो कॉपीराइट नहीं है, तो आपका $ग्रीन अनेबल हो जाएगा 20 फरवरी तक। अब मान लीजिए अगर आपके 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया और सारे व्यूअर्स 10 मिनट तक फुल वीडियो आपका देखते हैं, तो आपको 30,000 व्यू होने चाहिए। यानी कि आपके अगर आपका 30,000 व्यूअर्स हो जाएंगे और पूरा देख लेते हैं 10 मिनट तक, तो आपके 5,000 सर्वर हो जाएंगे एक ही दिन में। यानी कि एक ही वीडियो से आप 5,000 मिनट को पा सकते हैं, 5,000 हवर को पा सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपने 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया और उसमें से एवरेज निकाल के 5 मिनट ही आपके व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, तो आपको चाहिए 60,000 व्यू। यानी कि 60,000 व्यूअर अगर 5 मिनट तक आपका वीडियो देखे तो आपका 5,000 अवर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4,000 से भी ज्यादा 1,000 हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका वीडियो की एवरेज मिनट है 2 मिनट, तो आपके सारे व्यूअर होने चाहिए 1,00,000 व्यूअर आपको होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1,50,000 × 2 करने से आपके जो मिनट होते हैं इसके डिवाइडेड 60 करते हैं तो हमको मिल जाते हैं 5,000 अवर्स। यानी कि 2 मिनट का वीडियो है और अगर आपने 1,50,000
व्यूअर कंप्लीट कर लिए तो आपको मिल जाएगा 5,000 हवर्स। तो मान इसके अलावा अगर आपने 1,00,000 से ज्यादा के व्यू पा लिए तो 100 में से एक सब्सक्राइबर तो आपको जरूर ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके 1,00,000 व्यूअर में सिर्फ 100 या 200 ही सब्सक्राइबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कब ऐसा कंटेंट बनाइए कि आपके 1,50,000 व्यूअर में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिले और डे बाय डे आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन मिले और आपकी चैनल ग्रो बाय ग्रो करती है, इसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।